हाँ तो भाई, वो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कवर किया था कि BGMI एंड पबजी मोबाइल के अंदर एंशियंट टेंपल जो मोड है वो दोबारा गेम के अंदर आने वाला है, साथ में एक नया एक्स सूट भी आने वाला है या फिर आपको इन गेम देखने को मिलने वाले, तो उससे रिलेटेड कुछ और लीक्स निकल के आए हैं वो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। उसी के साथ वीडियो के अंदर मैं दो तीन टॉपिक्स और कवर करने वाला हूँ, लाइक आपको नाइट मोड भी देखने को मिलने वाला है गेम के अंदर बहुत जल्दी, और साथ में मैं आपको मंथ 13 एंड 14 के RP रिवॉर्ड्स भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, हमारे जो नए व्यूवर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो देखने के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी जरूर से करो, क्योंकि 90% ऑफ व्यूवर्स से वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं एंशिएंट टेंपल मोड के बारे में। तो जी हाँ, आपको आने वाले टाइम के अंदर गेम के अंदर एंशिएंट मोड दोबारा देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर जो आपको लोबी व्यू देखने को मिलने वाला है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था, फिर भी जो आज नई वीडियो देख रहे हैं यानी कि आज की वीडियो देख रहे हैं तो एक बार दोबारा से आप चेकआउट कर लो। तो कुछ इसी तरीके की लोबी आपको देखने को मिल जाएगी एंशिएंट टेंपल थीम वाली, तो BGMI के 2.1 अपडेट के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। और जो व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि भाई 2.1 का अपडेट हमें कब तक देखने को मिल जाएगा, तो इसके अभी कोई ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं आई है, जैसे आएगी मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म कर दूंगा, तो स्टे ट्यून। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में, यानी कि हमारे फेरो एक्स सूट के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि भाई पबजी मोबाइल ने रिसेंटली काफी ज्यादा वोटिंग्स करवाई है या फिर सजेशंस लिए हैं प्लेयर्स से। इसके अंदर आपको काफी ज्यादा सर्वेस देखने को मिले थे, जिनमें एक सर्वे ये भी था कि आपको कौन सा एक्स सूट गेम के अंदर दोबारा से देखना है, तो ऑब्वियस बात है आप सभी ने फेरो एक्स सूट को ज्यादा वोट दिया होगा। दैट्स व्हाई फेरो एक्स सूट आपको 7 लेवल के साथ गेम के अंदर जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। और हां, साथ में मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई ये एक लीक है, ज्यादातर लीक्स कंफर्म रहती है, फिर भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो थोड़ा सा देख लेना, लेकिन हां 90% ऑफ चांस है कि आपको ये वाला एक्स सूट दोबारा गेम के अंदर जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। और हाँ, साथ में एक और लीक निकल के आ रही है, आपको एक गोल्डन फेरो सेट देखने को मिल सकता है, जो कि एक अल्टीमेट सेट होने वाला है, अल्टीमेट आउटफिट होने वाली। इसके बारे में अभी कोई कंफर्म लीक्स वगैरह नहीं है। इसके बारे में बीटा के अंदर थोड़ी हल्की सी हमें झलक देखने को मिली है, फिर भी अगर इसकी कोई कंफर्म लीक्स देखने को मिलेगी तो आपको इसी चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। और हाँ, साथ में मैं आपको बता दूं कि जब भी आप गेम लॉन्च करते हो उस टाइम जो एनिमेशन शो होती है उसकी एक नया अपडेट हमें देखने को मिला है, जो कि ये है, आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर एक जायंट एशियन फेरो देखने को आपको मिल रहा है, तो ये भी आपको इन फ्यूचर अपडेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि जायंट एशियन फेरो कुछ मॉन्स्टर टाइप आपको देखने को मिल रहा है, तो ये काफी बढ़िया इवेंट मोड एंड कमबैक होने वाला है। अब मुझे ये भी बताइए भाई, आप में से काफी ज्यादा प्लेयर्स है जिनको एंशिएंट टेंपल मोड काफी ज्यादा पसंद है, तो देखते हैं ये इवेंट या मोड हमें कब तक देखने को मिलने वाला है गेम के अंदर, इसके अंदर हमें क्या क्या इवेंट्स या फिर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। तो स्टे ट्यून, इसी चैनल पे आपको लीक्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। बात करें हमारे अगले टॉपिक के बारे में, तो आपको गेम के अंदर इवनिंग मोड या फिर नाइट मोड दोबारा गेम के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो बीटा वर्जन के चीयर पार्क के अंदर ये नाइट मोड अभी अवेलेबल हो चुका है, और हाँ मैं आपको बता दूं कि ये मोड जो है वो नॉर्मल मैप के अंदर भी जल्दी अप्लाई हो जाएगा, तो इस टाइम जो चीयर पार्क के नाइट मोड आया है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको चीयर पार्क का ये नाइट मोड कैसा दिख रहा है या फिर आपको कैसा लग रहा है। चीयर पार्क की ही अगर हम बात करें तो आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलने वाले अपडेट के बाद, आपको एक पर्टिकुलर सेपरेट जगह देखने को मिल जाएगी जहां पर जाकर आप पूरे चीयर पार्क की लोकेशन वगैरह डिटेल्स में देख सकते हो। तो ये पर्टिकुलर अपडेट जनरली उन लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला जो ट्यूशन से आते वक्त अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं किसी एक्स पर्सन के घर को ढूंढने के चक्कर में। वैसे अगर आगे जाकर राइट लोगे तो उसी का घर है, भुवन का ही तो घर ढूंढ रहे हो ना, मिल जाएगा। बाकी बात करें हमारे अगले टॉपिक के बारे में, तो आपको मंथ 13 रॉयल पास के मैं आपको थीम बता देता हूँ। तो आपको मंथ 13 का रॉयल पास एक्सोजेनेसिस की थीम पर देखने को मिल जाएगा। इसके जो रिवॉर्ड्स है वो भी आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। अभी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ मंथ 13 रॉयल पास का जो RP लोगो होने वाला है वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो काफी ठीक ठाक सा लग रहा है, RP अवतार वगैरह भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस आउटफिट का जो नाम होने वाला है वो होने वाला है नॉकटम टेरर सेट। ऑब्वियस बात है अभी इसके टेक्सचर वगैरह नहीं आए, आउटफिट वगैरह नहीं दिखे, जैसे आगे मैं आपको जरूर से बता दूंगा, तो बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। वैसे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि भाई गेम पहले ही वॉयलेंस को लेकर काफी चर्चा में ही टेरर वगैरह के नाम से आउटफिट वगैरह क्यों निकालते हो, कुछ बनाना शेक या फिर जलेबी टाइप इस टाइप का कुछ नाम निकालो, सीरियस मत हो जाना, मैं मजाक कर रहा हूँ। दिमाग को सही रखने के लिए थोड़े बहुत पॉडकास्ट वगैरह देख लिया करो गेम खेलने के बाद, नहीं तो ये सारे तो है ही हमारा मूड रिफ्रेश करने के लिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो हमारा M13 के RP रिवॉर्ड्स होने वाले हैं उसके अंदर फाइनली हमें M762 की गन स्किन देखने को मिलने वाली है। काफी सालों के बाद हमें M16 और स्कारल की गन स्किन से छुटकारा मिला है, पता नहीं जबरदस्ती हमें क्यों चिपका देते हैं M16 की स्किन। बाकी होपफुली हमें M762 की इस बार गन स्किन देखने को मिल रही है। बाकी रिडीम सेक्शन में आपको एक रोजी थोन नाम की स्कारल की स्किन देखने को मिल जाएगी। तो इन सभी के अभी टेक्सचर वगैरह गेम के अंदर नहीं आए, यानी कि बीटा वर्जन के अंदर नहीं आए, तभी मैं बोल रहा हूं भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे इनके टेक्सचर वगैरह गेम के अंदर आएंगे मैं आपको जरूर से बता दूंगा। बाकी बात करें हमारे मंथ 14 के रॉयल पास की लीक्स वगैरह के बारे में, तो ये भी आ गई है, लेकिन इसके अंदर नाम के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो नाम दिखा के मैं अभी आपका टाइम पास नहीं करूंगा, जैसे टेक्सचर वगैरह आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी वीडियो बनता है कि हाइट की तरह थोड़ी छोटी है लेकिन काम की है। तो वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई, सब्सक्राइब जरूर से कर दो। 30K हमें जल्दी से जल्दी टच करने। ओके, देन मैं मिलूंगा नेक्स्ट किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चल बंद कर, सीधा साम कम कर, तेरी अगर एम4 चलती मेरा चलता, मेरा लो एंड डिवाइस उसमें कुछ भी नहीं चलता। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने